ऑल राइट फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स। एंड जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये जो पूरा वीडियो है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। जैसे लोग पूछ रहे थे कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों है। उसके बाद हम तय करेंगे कि इंडियन की इंग्लिश पढ़ना है या हिंदी पढ़ना है, और इंग्लिश में क्या पढ़ना है, हिंदू पढ़ना है या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना है या कौन सा अखबार पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना है, है ना। न्यूज़पेपर पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि अभी आपने प्रीलिम्स का सवाल देख लिया और आपको सब जगह मार्केट में यूट्यूब में हो हल्ला मचा हुआ है कि न्यूज़पेपर से सवाल आया, न्यूज़पेपर से आया, अब तो मैगजीन का ज़माना गया, वन लाइनर का ज़माना गया। वन लाइनर का ज़माना कभी था नहीं बॉस, वन लाइनर तो बस प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए किसी तरह से काम आ जाता था, बट अगर आपको मेंस क्वालिफाई करना है या आपको इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करना है तो वो तभी हो पाएगा जब आपका नॉलेज कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जब आप चीज़ों को समझेंगे, जब आपको देश के बारे में, दुनिया के बारे में ठीक से पता होगा, ठीक है। जब आप बीपीएससी के सिलेबस को देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जनरली अवेयर्ड पर्सन चाहिए, ठीक है। जैसे साइंस के लिए कि साइंस क्या पढ़ना है, तो साइंस ऑब्जर्वेशन का चीज़ है, ठीक है, कि जो आप ऑब्जर्व करते हैं उससे रिलेटेड जो साइंस है। आप मोबाइल ऑब्जर्व करते हैं, मोबाइल देखते हैं तो 5G का सवाल इस साल आया है ना, तो उसी तरह से हर चीज़ में ऑब्जर्वेशन चाहिए। और डेली ऑब्जर्वेशन, और ये डेली ऑब्जर्वेशन के लिए न्यूज़पेपर से बेटर कोई टूल नहीं हो सकता। देखिए, सिलेबस में कहीं नहीं लिखा है कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, बट न्यूज़पेपर क्या है कि जो सिलेबस का कोर है कि डेली ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, डू, है ना, DO, डेली ऑब्जर्वेशन, उस ऑब्जर्वेशन के लिए आपके पास इससे बेटर कोई दूसरा टूल नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि YouTube का कोई 5 मिनट का या 10 मिनट का न्यूज़पेपर एनालिसिस अगर आप देख लेंगे और आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, माई डियर फ्रेंड, यू आर फूलिंग योर सेल्फ, दिस इज द ट्रुथ, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये। दूसरी बात आती है कि आपको हिंदी में पढ़ना है या इंग्लिश में पढ़ना है, ठीक है। तो हिंदी पढ़िए या इंग्लिश पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा कोर है डेली ऑब्जर्वेशन, चाहे आप हिंदी अखबार के माध्यम से कीजिए या अंग्रेजी अखबार के माध्यम से कीजिए। बट यहाँ पे समस्या ये आती है कि हिंदी के जो अखबार है ना, अगर आप उसको इंग्लिश के अखबार से, यानी कि इंडियन एक्सप्रेस से या द हिंदू से कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि हिंदी के बहुत कम, मतलब एकाध अखबार जो है वो कहीं इसके आसपास पहुंच पाता, नहीं तो आसपास में भी नहीं है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि जो आप डरते हैं कि हिंदी मीडियम हम हैं तो इंग्लिश का कैसे करेंगे, इंग्लिश का कैसे करेंगे, आपको यूट्यूब पे सर्च करना चाहिए। टाइम इस चीज़ में ना वेस्ट कीजिए कि रॉयल एंट्री कैसे होता है SDM का और मोटिवेशनल स्पीक्स, है ना, मोटिवेशन अंदर से आता है। आप टाइम इन्वेस्ट कीजिए कि जो लोग हिंदी मीडियम के थे वो कैसे क्वालिफाई किया उन्होंने एग्ज़ाम, चाहे वो BPSC हो चाहे UPSC हो, ठीक है। और उसमें लेटेस्ट लोगों का आप इंटरव्यू देखिए, लेटेस्ट लोगों की स्ट्रेटजी देखिए, तब आपको पता चलेगा कि दे वेयर फॉलोइंग इधर द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। इंग्लिश इतना भी टफ नहीं है यार, इंग्लिश दुनिया का सबसे आसान लैंग्वेज है। बस बात क्या है ना कि अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर बाइक चलाने की आदत है, स्प्लेंडर चलाने की आदत है ना, तो अगर आपको बुलेट दे दिया जाए या कोई और बाइक दे दिया जाए तो शुरुआत में थोड़ा सा हिकअप्स होता है, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन ग्रेजुअली जब आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन और मैक्सिमम 20 से 30 दिन में आप कंफर्टेबल हो जाइएगा अखबार के साथ, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप सवालों को देखेंगे ना, चाहे प्रीलिम्स का चाहे मेंस का, अगर आपकी इंग्लिश की जानकारी ठीक ठाक है ना, टर्मिनोलॉजीज जो न्यूज़पेपर में आता है वो सब क्लियर है ना, तो उन सवालों को अच्छे से लिखना, उनको अच्छे से डील करना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, बनिस्बत इसके कि आप सिर्फ और सिर्फ, आपने कसम खाया कि सिर्फ हिंदी मीडियम का ही मटीरियल पढ़ेंगे। देखो यार, जो भी चीज़ें हैं अखबार में ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट हम डिस्कशन तो हिंदी में करते हैं ना, सोचते तो हिंदी में है ना, तो ये चीज़ है। तो इसलिए हिंदी इंग्लिश मीडियम का जो झगड़ा है उस झगड़े को साइड कीजिए, कोशिश कीजिए 10 दिन 15 दिन 20 दिन आप इंग्लिश का अखबार पढ़ने की। लोग कोशिश ही नहीं करते हैं, शुरुआत में ही बोलते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं नहीं इंग्लिश, अरे भाई नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप कोशिश तो कीजिए, 20 दिन ट्राई तो कीजिए ना। जब आप मैगजीन रटने के लिए 20 दिन लगाते हैं तो न्यूज़पेपर को समझने के लिए तो 20 दिन देना ही चाहिए आपको। 20 दिन आप 1 घंटे 2 घंटे रोज़ अगर न्यूज़पेपर में टाइम दे रहे हैं, ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि 30 मिनट में आपका हो जाएगा, 30 मिनट में उसका होगा जो पिछले 2 साल से अखबार पढ़ रहा है,
ठीक है, और जिसने अभी अभी शुरू किया है अगर वो आपको बोलता है एक दो महीने से अखबार पढ़ रहा है और वो बोलता है कि भाई हम तो 30 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको वहीं देन एंड देयर अपने मन में रिजेक्ट कर दीजिए, उसको मत बताइए बट अपने मन में इस बात को रिजेक्ट कर दीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक दो महीने में आपका वो लेवल नहीं आएगा कि 30 मिनट में आप अखबार पढ़ लें। अगर आप 5 आर्टिकल भी पढ़ेंगे ना, और मिनिमम 5 आर्टिकल तो रोज काम का आता है, अगर आप 5 आर्टिकल भी पढ़ेंगे और 6-6 मिनट हर आर्टिकल को देंगे तो 30 मिनट तो आपका वैसे ही हो जाता है। ठीक बात है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंस मेरे ख्याल से आपको मोटा मोटी समझ में आ गया। ग्रेजुअली हम लोग जब और वीडियो बनाएंगे तो उसमें और इस पर बात करेंगे। बट अब आता है जो तीसरा सवाल है या जो अगला सवाल है, वो ये है कि न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है। न्यूज़पेपर उठाए और पढ़ने लगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये नहीं कि आप इंडियन एक्सप्रेस ले लिए, खरीद लिए मार्केट से और हाथ में ऐसा मोड़ के गोल गोल घुमा रहे हैं, पढ़ कम रहे हैं, लोगों को दिखा ज़्यादा रहे हैं, ये नहीं करना है। ठीक है, आपको न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना है? बार बार आप इस बात को याद रखिएगा कि डेली ऑब्जर्वेशन के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। डेली ऑब्जर्वेशन आपको सिलेबस में बताया गया था और डेली ऑब्जर्वेशन के लिए आपने एक टूल ढूंढा और वो टूल है न्यूज़पेपर, तो बस इसका उतना ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब डेली ऑब्जर्वेशन किन चीज़ों में? ठीक है, तो डेली ऑब्जर्वेशन जो भी नेशनल इंटरनेशनल चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, पॉलिटी में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें देखनी है। पॉलिटिक्स नहीं देखना है, पॉलिटी देखना है, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये डेली ऑब्जर्वेशन हमें करना है और उसके लिए हमने न्यूज़पेपर को अपना टूल बनाया है। सबसे बेस्ट तरीका क्या है? प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस आप अपने टेबल के सामने जहाँ पढ़ते हैं चिपका दीजिए। ठीक है, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो पढ़ते समय जो भी चीज़ें हैं उसको रिलेट कीजिए कि सिलेबस के किस पॉइंट में ये जाने वाला है। ठीक है, सिलेबस का कौन सा पॉइंट से जा सकता है। ग्रेजुअली जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, देखेंगे, जैसे 68 और 69 का PYQ आप प्रीलिम्स का देखिए और मेंस का जो GS का पेपर आता है, इवन कि UPSC का भी पेपर अब थोड़ा थोड़ा देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ को वाटर टाइट में नहीं रखना चाहिए कि BPSC की तैयारी करें तो बस BPSC का मटेरियल देखेंगे। अगर आप UPSC का मटेरियल देखेंगे, UPSC के डायरेक्शंस को देखेंगे तो उससे भी आपको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो PYQ जब आप देखेंगे तो धीरे धीरे PYQ आपके दिमाग में रहने लगेगा। फिर आप पुट कीजिएगा कि अच्छा CAG पे सवाल आया हुआ है, ठीक है, और CAG न्यूज़ में रहता है, तब आप कंफर्टेबल होंगे कि अच्छा भाई इसीलिए का आर्टिकल 148 याद रखना जरूरी है, CAG कैसे काम करता है। CAG पे एक जो डिबेट चलता है कि कंट्रोलर नहीं है, सिर्फ ऑडिटर जनरल है, कंट्रोलर का काम नहीं करता है, बट चूंकि नाम नोमेनक्लेचर में CAG है तो चलता आ रहा है। ठीक है, CAG का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, CAG कौन से पार्लियामेंट्री कमेटी का फ्रेंड है, फिलोसोफर है और गाइड है। ठीक है, ये चीजें हैं। तो इस तरह से इस थिंकिंग प्रोसेस से आपको न्यूज़पेपर शुरू करना है। जो भी BPSC 78 के लिए तैयारी कर रहे हैं अभी से, आपके पास काफ़ी टाइम है, आपको दो काम करना चाहिए। जैसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि 78 के लिए स्ट्रेटजी वीडियो बनाइए, वो अलग से हम बनाएंगे, है ना, कि क्या बुक लिस्ट होना चाहिए, क्या रूटीन होना चाहिए, किस तरह से पढ़ना है, कब तक ख़त्म करना है इसको। ठीक है, बट अगर ओवरऑल बात किया जाए तो ओवरऑल क्या है ना, नंबर वन कि आप अभी मेंस मोड में रहिए। ठीक है, मेंस मोड में कहने का मतलब कि मेंस में सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, तो चीज़ों की सब्जेक्टिविटी को आप समझिए और सब्जेक्टिविटी को समझने के लिए आपको इन डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा। इन डेप्थ स्टडी का मतलब क्या हुआ कि आप बेसिक बुक्स को पढ़ेंगे, BB यहाँ BPSC बेसिक्स नहीं इसका मतलब है, बेसिक बुक्स, ठीक है, फंडामेंटल बुक्स जैसे NCERT प्लस एक न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आप। ठीक है, अब बेसिक बुक्स में क्या आपको उठाना है, तो जिस सब्जेक्ट का आपने उठाया, ठीक है, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री का आप क्लास 8 से शुरू कीजिए पढ़ना। ठीक है, क्लास 8 का न समझ में आए तो फिर आप 7th में चले जाइए, क्लास 8 का अच्छे से समझ में आए तो इसको पढ़िए, फिर 9th का पढ़िए, फिर 10th का पढ़िए। आपको जितना अच्छे से समझ में आ रहा है ये उतना जल्दी कंप्लीट होगा। ठीक है, फॉर दैट मैटर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर हिस्ट्री आपको पढ़ना है तो 8, 9 और 10 ये 3 क्लास का हिस्ट्री है, इसको आप 10 दिन में मैक्सिमम कंप्लीट कीजिए। और 10 दिन में कंप्लीट करने का मतलब कि एक रीडिंग आपका हो जाना चाहिए प्लस 1 से 2 रिवीजन हो जाना चाहिए। अब आप बोलेंगे कैसे होगा, तो ये तभी होगा जब आप सबसे पहले सिलेबस देखेंगे और उसके बाद PYQ देखेंगे और फिर किताब को पढ़ना शुरू करेंगे। पुराना जो रटने वाला मोड था उसको छोड़ देंगे, कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि 10 दिन में 15 दिन में आपको सब कुछ याद हो जाना चाहिए, हम बस ये कह रहे हैं कि आपका एक रीडिंग कंप्लीट होना चाहिए और एक रिवीजन हो जाना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि पढ़ाई कैसे की जाती है, मतलब चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। ठीक है,
फिर जब जहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है या फिर जब आप 11th और 12th का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा टाइम देके पढ़ना है, ठीक है। आपने 8, 9, 10 का या 7, 8, 9, 10 का चार क्लास का किताब 15 दिन 20 दिन में ख़त्म किया, अब इसके बाद आप इधर शिफ्ट किए और इसको कंप्लीट किए, कंसोलिडेट किए, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ पैटर्न रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी सबसे पहले, जब तक स्ट्रेटजी वीडियो नहीं आता या आप कोई और स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, तो एक चीज़ ये ज़रूर कीजिए कि आप न्यूज़पेपर को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए, प्लस एक स्टैंडर्ड बुक यानी एक सब्जेक्ट का कोई स्टैंडर्ड बुक उठाइए और उसको पढ़ना शुरू कीजिए। और अगर आप वो इंसान हैं जो थोड़ा बोर हो जाता है एक ही तरह का चीज़ पढ़ने में, तो रूटीन में आप दो सब्जेक्ट को रखिए, जैसे हिस्ट्री है तो एक आप इकोनॉमी रख लीजिए, ठीक है, या हिस्ट्री है तो ज्योग्राफी रख लीजिए, इकोनॉमी मत रखिए, हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी रखिए, तो चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। और अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं, 7 से 8 घंटा तो डेली आपको पढ़ना ही है, तो टाइम इक्वली डिवाइड कर दीजिए और 2 घंटे न्यूज़पेपर के लिए रख लीजिए, 1.5 से 2 घंटे, ठीक है, शुरुआत के लिए। फिर बाद में आप न्यूज़पेपर के लिए 1 से 1.25 घंटा रखिएगा और उसमें आपका काम हो जाएगा, ठीक बात है। तो चलिए इसी के साथ अब हम लोग थोड़ा सा शुरू करते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस है और ये कल का अखबार है। कल का अखबार अब क्यों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 6 अक्टूबर का, आज तो 7 अक्टूबर है, ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभी तक जो है वो कल जो भी न्यूज़ में रहा होगा उसको आपने देखा होगा। और इसमें हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि चीज़ों को पढ़ना कैसे है, किन चीज़ों को पढ़ना है, किन चीज़ों को छोड़ना है, ठीक है। ये द वर्ल्ड वाला पेज है, ये पीछे का पेज थोड़ा आगे आ गया है तो इसको अभी छोड़ देते हैं। जैसे ये फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज को एकदम ग्लांस कीजिए, है ना। मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ, ईडी ने जो है इनको, संजय सिंह को, आम आदमी पार्टी के एमपी, इनको अरेस्ट किया है, ठीक है। अब बोलेंगे ये पॉलिटिक्स है, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है, बट आप स्मार्ट बनिए, यहाँ से क्या क्या चीज़ें पिक करनी है आपको। ये मनी लॉन्ड्रिंग पिक करना है और ईडी पिक करना है, ठीक है। ईडी, सीबीआई इतना चर्चा में रहता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है क्या, है ना। ये कानूनी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, या फिर कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया, सरकार ने बस एक ऑर्डर निकाल के इस बॉडी को बनाया। तो ईडी के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर पूछ दिया प्रीलिम्स में कि ईडी और ईडी के बाद फिर 4 ऑप्शन दे दिया और आप सोचेंगे कि अरे यार ये तो तोता उड़ गया, है ना, ईडी सुन रहे थे लेकिन ईडी के बारे में कुछ पढ़े नहीं घुस के अंदर। तो ये थोड़ा सा स्मार्टनेस लाना है कि आपके काम का चीज़ ये है, आपके काम की चीज़ ये नहीं है, आपके काम की चीज़ ईडी है और मनी लॉन्ड्रिंग है, कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, ठीक है। अब करना क्या है कि डे वन से इस पर नहीं कूद जाना है कि मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ लेते हैं, ईडी पढ़ लेते हैं। पहले आप अपने दिमाग का जो है ना वो अडेप्टेबिलिटी को जो है वो ग्रो कराइए, कि आपने देखा और दिमाग में सोचा कि मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ना है, ईडी पढ़ना है। जब ये 3, 4, 5 बार आपके दिमाग में ये सब चीज़ें होने लगेंगी ना, ग्रेजुअली आप अपने आप, और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग को कहीं पर डिफाइन कर दिया गया न्यूज़पेपर में, उसको ध्यान से पढ़ लेना है और याद करना है। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप नोट्स बनाते हैं, मेरा देखिए पर्सनली अगर हमसे सजेशन मांगिएगा तो हम यही बोलेंगे कि न्यूज़पेपर का नोट्स नहीं बनाइए, ठीक है। उसका रीज़न क्या है कि अगर आप न्यूज़पेपर का नोट्स बनाएंगे तो वो बहुत बल्की हो जाएगा, आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, और न्यूज़पेपर जो आपको 1 घंटे में ख़त्म करना है वो लगभग 4 घंटे लग जाएगा, ठीक है, 3.5 से 4 घंटे, ठीक है। इनिशियल डेज में तो हो सकता है कि दिन भर आप यही करते रह जाएंगे, ये काम नहीं करना है। आप अपने दिमाग को इतना एक्टिव रखिए कि बस चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे, ठीक है। और जो आप नोट्स बनाएंगे उससे बेहतर आपको मैगजीन जो है मार्केट में, चाहे वो विजन IAS हो, फोरम IAS हो, बहुत सारा मैगजीन मिलता है, और वो क्वालिटेटिव मैगजीन है, वो BPSC की तैयारी वाला मैगजीन नहीं है, ठीक है। तो उन क्वालिटेटिव मैगजीन से इंपॉर्टेंट चीज़ों को छाट के पढ़ लेना है, ठीक है। तो मंथली मैगजीन होता है, अब मंथली मैगजीन बनता कैसे है, तो यही तो 2, 4, 5 न्यूज़पेपर को कंपाइल करके तैयार किया जाता है। तो जो काम आपके लिए कोई और 10 लोग का टीम मिलकर कर रहा है वो आप जबरदस्ती क्यों करना चाहते हैं, है ना, नहीं करना है, ठीक है। और फिर जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा ना, तो 10, 20, 50 टॉपिक एकदम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका फिर अपना नोट्स बनाना है, वो तो एग्जाम के टाइम का बात है, बट इनिशियली जो है इतना लोड नहीं लेना है आपको, ठीक है। आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और बस उसके बारे में चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग है, ईडी है, तो इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद क्या है, अब देखिए इन चीज़ों को रटते थे, अब यहाँ से पता चल जाएगा ना कि जो पहला मैच हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद से शुरू हुआ, पहला मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में खेला गया है, ठीक है। जो क्रिकेट एंथुसियास्ट हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए यही तो न्यूज बनता है ना, कि अगर पूछ दिया तो पूछा जा सकता है, क्योंकि वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार होता है और इंडिया में चूंकि हो रहा है तो पहला मैच था, तो आपसे बोल देगा कि भाई ओपनिंग डे ऑफ द ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप तो कहां खेला गया, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। बाकी ये आपके इंटरेस्ट पे है, लेकिन पढ़ाई से
इसको थोड़ा सा वो कर देंगे, सेग्रीगेट कर देंगे। देखिए कुछ भी पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाता, लेकिन आपको प्रायोरिटाइज करना है कि कम टाइम में आपको क्या चीज़ें ज़्यादा पढ़नी है, ठीक है। जैसे अब टेरर इकोसिस्टम के लिए, ठीक है, मस्ट डिसमेंटल इंटायर टेरर इकोसिस्टम, नीड रूथलेस अप्रोच, अमित शाह, ठीक है, होम मिनिस्टर ने ये बात बोली। अब ये आर्टिकल इतना दूर पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म रिक्वायर्स कोलैबोरेशन फ्रॉम द ग्रास रूट टू द ग्लोबल लेवल। ये कितना प्यारा स्टेटमेंट है ना। अगर आप मेंस में जब आंसर लिखते हैं और इस तरह के स्टेटमेंट को यूज करते हैं, तब पता चलता है कि यू आर हैविंग डीप नॉलेज, मतलब इनडेप्थ नॉलेज है आपको, आप चीजों को समझते हैं कि भाई ग्रास रूट से ग्लोबल लेवल तक रिलेशन बनाने की जरूरत है, ठीक है। तो ये बात है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये अब फटाफट इसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, आप पढ़ेंगे, ये मैक्सिमम 2 मिनट का रीड है, 2 मिनट में ये चीज़ आपको समझ में आया। अब आप बहुत से बहुत करेंगे ना, तो इस तरह की चीज़ को कॉपी में लिखेंगे, लेकिन वो भी अभी मत लिखिए अगर आप बिगिनर हैं। जो पहले से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत नहीं है, बट जो बिगिनर हैं उनको अभी से ये सब चीज़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि फिर वो आपको आपका टाइम किल होने लगेगा, और आपको ये भी नहीं घबराना है कि अरे ये तो फिर बाद में नहीं मिलेगा। अरे मिलेगा, घूम के आएगा। न्यूज़पेपर की यही खूबसूरती है कि एक ही चीज़ बार बार घूम के आपके पास आएगा। न्यूज़पेपर इज़ लाइक कर्मा, है ना, घूम घूम के आते रहता है, तो उसका आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी हवाला, ठीक है, टेरर फाइनेंसिंग, और पेज 2 पे चलते हैं। तो पेज 2 में इसी के बारे में क्या दिखा गया है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, नार्को टेरर लिंक, टू डील विद टेररिज्म द सेंटर एंड द स्टेट देयर एजेंसीज विल हैव टू थिंक इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वेज, ठीक है। अब अगेन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का यहाँ पर डिबेट नहीं करना है। देखिए टेररिज्म से लड़ना कितना क्या आपके लिए एक तरह से आंसर तैयार हो गया कि भाई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से भी लड़ना है, नार्को टेरर लिंक है, ड्रग्स से लिंक किया गया है, तो इससे भी लड़ना है, ठीक है। अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं कि क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके सिलेबस का पार्ट है ना, ये आपके आंसर का पार्ट होने वाला है, ठीक है। स्टेट और सेंटर की एजेंसी जब तक मिल के काम नहीं करेगी तब तक कैसे काम चलेगा, और थिंक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वेज, ठीक है। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल भी सोचना है और वर्टिकल भी सोचना है। सेंटर का जो एजेंसी है और यहाँ स्टेट, वेरियस स्टेट्स हैं उसका एजेंसी है, ठीक है। तो स्टेट और सेंटर का भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और स्टेट और स्टेट का भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके टेरर से हम लड़ पाएंगे। ग्लोबल से ग्रास रूट लेवल तक हमें लड़ना होगा। टेररिज्म हैज़ नो बाउंड्रीज एंड नो स्टेट कैन फेस टेररिज्म अलोन। कोई भी देश, कोई भी सरकार अकेले टेररिज्म से फाइट नहीं कर सकती है। तो कितना प्यारा लाइन लिखा हुआ है, कम टुगेदर टू रूट आउट दिस एविल, ठीक है। तो ये जो है ना आपके लिए मेंस के लिए फॉडर मटेरियल है। अब आप जब रोज़ रोज़ इस तरह के चीज़ को पढ़ेंगे तो आपका दिमाग उसी तरह से सोचना शुरू कर देता है, और जब मैगजीन में आपको कंपाइल करके मिलेगा तो आपको मज़ा आ जाएगा। अदरवाइज आप मैगजीन उठाइएगा तो कष्ट होगा, ठीक है। ये चीज़ है बेटर कोऑर्डिनेशन। देखिए ये चीज़ें जो है ना, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, बेटर कोऑर्डिनेशन, ये हर जगह आपको मिलेगा। कोई भी सरकारी इंस्टीट्यूशन के बारे में बात हो रहा हो, सरकारी मशीनरी के बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में बात हो, तो आप बेटर कोऑर्डिनेशन आना ही आना है। एक और टर्म आता है इंसिलोज, ठीक है, ये सब इंसिलोज में काम करते हैं, सेपरेट होकर काम करते हैं। तो ये जो बेटर कोऑर्डिनेशन वर्ड है ना, ये हर जगह आएगा। आंसर आप लिखेंगे तो सजेशंस में, सॉल्यूशंस में ये आपको लिखना है कि भाई डिपार्टमेंट्स के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये जब आप न्यूज़पेपर ग्रेजुअली पढ़ना इस तरह से शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्लाइमेट चेंज इज न्यू सिंगल बिगेस्ट बिजनेस रिस्क। देखिए क्लाइमेट चेंज को इकोनॉमी से रिलेट किया गया और क्या बोला गया, सिंगल बिगेस्ट बिजनेस रिस्क, ठीक है। ये कहीं पे मीटिंग चल रहा था तो हिंदुस्तान का, मतलब अपना इंडिया का जो सबसे बड़ा FMCG है, मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तो हिंदुस्तान लीवर यूनिलीवर जो कंपनी है वो सबसे बड़ा FMCG है, वन ऑफ द लार्जेस्ट, ठीक है। तो कहीं कुछ मीटिंग वीटिंग चल रहा होगा, अपने को क्या मिला, क्लाइमेट चेंज इज सिंगल बिगेस्ट बिजनेस रिस्क। तो जब क्लाइमेट चेंज पे हम आंसर लिख रहे होंगे ना, तो सिर्फ ये नहीं लिखेंगे कि नदी पहाड़ सब खराब हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये भी लिखेंगे कि बिजनेस रिस्क बढ़ रहा है, ये भी लिखेंगे कि हेल्थ रिस्क बढ़ रहा है, ठीक है, ये भी लिखेंगे कि डिजीज जो है ना वो ज्यादा तेजी से स्प्रेड हो रहा है। तो इन सब सारे चीजों पे कल्चर हमारा एलिमिनेट हो रहा है। अगर कोई आइलैंड डूब गया तो वहां का ट्राइबल कल्चर खत्म हो जाएगा। तो आज क्लाइमेट चेंज से आपको रिलेट किया बिजनेस को, कल रिलेट करेगा हेल्थ को, परसों रिलेट करेगा ओवरऑल पूरे कल्चर को। तो ये एक माइंडसेट रखना है आपको कि थोड़ा सा इसको देखना है। उसके बाद देखिए सिक्किम फ्लैश फ्लड के बारे में बात हो रहा है। तो एक तो कि सिक्किम ऊपर से फ्लैश फ्लड, तो आपको एक तो कि एग्जांपल मिल गया यहाँ से, है ना, कि फ्लैश फ्लड कहाँ आया था रिसेंटली, तो सिक्किम में आया था। उसके बाद आपको फ्लड पता होना चाहिए, फिर फ्लैश फ्लड पता होना चाहिए। तो फ्लड का डेफिनेशन क्या है, जैसे इस बार 69th में हीट वेव के बारे में पूछा, आप देखेंगे न्यूज़पेपर में जैसे ही गर्मी आएगी ना, कम से कम आपको 20 से 25 बार हीट वेव आपको डिफाइन किया जाएगा न्यूज़पेपर में,
ठीक है, कि कितना टेम्परेचर हो जाएगा तो प्लेन एरिया में हीट वेव होगा और कितना होगा तो हिली एरिया में हीट वेव होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो उसी तरह से फ्लड का डेफिनेशन क्या है, और जब फ्लड पता चल गया तो फ्लैश फ्लड क्या होता है ये हम जानेंगे, ठीक बात है। फिर जब इस आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा इस पर अभी कम से कम 10 आर्टिकल आएगा, ये फ्रंट पेज पे आ जाया है, फिर एडिटोरियल में आएगा, कहाँ कहाँ पे आया था, क्या डैम था, कौन सा रिवर था, सब कुछ उसमें कवर होगा, ठीक है। 35% जॉब कोटा फॉर वुमेन, ठीक है, तो ये भी आपके लिए एग्जाम्पल एक तरह से हो गया। देखिए डिटेल में अंदर घुस के नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स और इन्फॉर्मेशन दोनों मिक्स्ड है, तो आपको उसमें से एकदम हंस की तरह दूध, जैसे हंस जो है ना दूध और पानी अलग कर देता है, अगर दूध में पानी मिला देंगे तो वो दूध पी जाएगा और पानी वापस छोड़ देगा, उसी में रहने देगा, दूध फिल्टर कर लेता है, ऑस्मोसिस होता है बेसिकली, ठीक है। तो उसी तरह से आपको ऑस्मोसिस करना है आपके इंफॉर्मेशन के लिए। जैसे विमेन एम्पावरमेंट हम पढ़ते हैं तो कहीं भी विमेन को रिजर्वेशन देने के लिए बात चल रही है तो वो हमारे लिए काम का चीज़ है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे कि भाई एमपी में ऐसा कुछ हो रहा है, जब इस पे 4-5 बार डिस्कशन होगा तो आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगा। चलिए फिर अब आगे देखते हैं, ठीक है, ये सब नहीं पढ़ना है, कभी कभार आपको देख लेना है, ठीक है। अगर पॉलिटिकल न्यूज़ ना हो, पॉलिटिकल वो मतलब प्रचार ना हो, तो वैसे आप देख लीजिए कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। क्या कि बहुत कम कंटेंट होता है, क्या पता आपको काम का कुछ चीज़ दिख जाए, बट ऐसा नहीं कि आप खोल के बैठ गए कि मोदी साहब के आप फ़ैन हैं तो बस पढ़ रहे हैं और एडमायर कर रहे हैं, कह रहे वाह अरे वाह अरे वाह। नहीं भाई, आप अपना पढ़ाई कीजिए, बाद में एडमायर कर लीजिएगा, सरकार में जाके काम करने का मौका मिलेगा उनके अंडर में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे अब ये सब जो है ना ये थोड़े टाइम के बाद आपको आएगा, ये जो चीज़ मैंने लिखा है, ठीक है। वैसे 10 सिटी आपको बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें बस यही देखना है कि CBI ED आ गया, उधर ED था, इधर CBI आ गया, ठीक है, यहाँ पे LG आ गया। और दिल्ली में जो है ना CM और LG का हमेशा टसल चलते रहता है, न्यूज़ में रहता है और इस पर सवाल भी आता है, ठीक है। तो ये चीज़ को एक बार इन एंड आउट समझ लेना है कि आपको पता चल जाएगा कि LG को क्या पावर है, CM को क्या पावर है, दिल्ली जो स्टेट है उसको स्टेटहुड मिला है तो वो फुल स्टेटहुड का क्यों डिमांड करती है, पुलिस का पावर क्यों नहीं मिला हुआ है। ये सब चीज़ें जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे ग्रेजुअली आपको समझ में आएगा, और तब समझ में आएगा कि क्यों सक्सेना साहब का फोटो जो है रोज रोज आता है और क्यों आम आदमी पार्टी जो है हमेशा न्यूज़ में रहती है, ठीक है। और उसके बाद फिर CBI के बारे में आपको जानना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद जब यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आपके मन में आना चाहिए कि राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट के अंदर में आता है कि नहीं आता है, या लीगल राइट है या इलीगल है, ठीक है। हैबियस कॉर्पस क्या होता है, क्योंकि देखिए जैसे इस आदमी को अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, या इसको डिटेन किया जाएगा या पकड़ा जाएगा, तो एक हैबियस कॉर्पस होता है। जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट 6 तरह का रिट इशू कर सकता है, उसमें से एक हैबियस कॉर्पस है कि 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के यहां किसी भी अरेस्टेड व्यक्ति को पेश करना है, ठीक है, और अनलेस अंटिल की UAPA जैसा संगीन आरोप धारा न लगाओ। तो ये चीज़ें धीरे धीरे आपके दिमाग में आएंगे, और बिलीव मी कि अगर इस तरह से आप पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा, ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आपको राइट टू प्रोटेस्ट पता है तो यहाँ पे देख के आपको रिवीजन हो जाएगा, आपके दिमाग में वो चीज़ें रिमाइंड हो जाएगी। अदरवाइज आप सिर्फ रटेंगे ना तो रटने के लिए इतना फैक्ट है कि एग्ज़ाम में जब यही सवाल बन के आता है और 1-2 वर्ड इधर उधर कर देता है ना एग्जामिनर, तो फिर हम कन्फ्यूज होते हैं और गलत कर देते हैं। वो आपको 69th में समझ में आ गया होगा, ठीक है। 13, अब ये देखिए विंटर पॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये पूरा था। दिल्ली एक तो वैसे ही पॉल्यूटेड है, पटना 2nd most polluted, मुजफ्फरपुर 3rd most polluted इंडिया में, रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था। तो विंटर पॉल्यूशन, अब देखिए पॉल्यूशन में भी क्या है, विंटर पॉल्यूशन और समर पॉल्यूशन। तो विंटर पॉल्यूशन क्यों बढ़ता है, कुछ तो स्पेशल होगा ना, जैसे फ्लड था तो फ्लैश फ्लड हो गया, यहाँ पॉल्यूशन है तो विंटर पॉल्यूशन है। तो विंटर पॉल्यूशन का कुछ रीजंस यहाँ पे लिखा गया कि क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग होता है। तो आपको इंडिया का मैप बनाना चाहिए और फिर आपको पता होना चाहिए कि भाई पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा बर्निंग किया जाता है, ठीक है। तो आप बिहार में रहते हैं वहां पे क्यों नहीं बर्निंग होता है, वहां तो हम लोग काट के घर पे ले जाते हैं, भूसा बनाते हैं जानवर को खिलाने के लिए, बट इधर जो है बहुत ज्यादा बर्निंग होता है और उसके वजह से दिल्ली में जो है बहुत पॉल्यूशन होता है, ठीक है। उसके अलावा दिवाली है, क्रैकर है, अब यहां पे ये सेंटी नहीं हो जाना है कि हाँ तो दिवाली में पटाखा छोड़ेंगे नहीं क्या, ठीक है, रीजन बता रहा है, बाकी आपका मन है आप छोड़िए। वैसे भी टेरी ने आप ही के लिए तो सफल और स्टार बनाया है, है ना, कि सफल स्टार और स्वास, ये 3 पटाखे बनाए गए हैं जो बहुत कम पॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन ये सब दिया गया, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया, स्मॉग गन, मैकेनाइज रोड स्वीपिंग, वाटर स्प्रिंकलर। तो ये जैसे आप बार बार पढ़ेंगे तो अगेन वही वाली बात कि आपके दिमाग में रहेगा, तो पॉल्यूशन का सॉल्यूशन जब पूछा जाएगा आपसे तो ये 3-4 बातें आपको याद रहेंगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये पेज नहीं पढ़ना है, ठीक है। जब भी कन्फ्यूजन हो गो टू योर सिलेबस, गो टू योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कि मेरे काम का क्या है क्या नहीं है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे री एग्जामिनिंग रूलिंग ऑन इम्यूनिटी टू एमपीज एंड एमएलए सुप्रीम कोर्ट रिजर्व ऑर्डर, ठीक है। अब इम्यूनिटी क्या होता है, देखिए एमपी एमएलए को बहुत तरह का इम्यूनिटी मिला होता है, जैसे इन हाउस जब वो कोई भाषण देते हैं ना तो उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है, जो इन हाउस वो कुछ स्पीच देते हैं वोटिंग करते हैं उस पर नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। तो अब वोटिंग में जैसे क्रॉस वोटिंग हो गया वगैरह वगैरह हो गया तो उसके लिए अलग प्रोविजन है, बट ओवरऑल क्या है ना कि उनको इम्यूनिटी मिला हुआ, पहला लाइन जब आप पढ़ेंगे तो, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि कोई भी सिविल केस उन पे है तो सिविल केस में उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा हाउस शुरू होने के कुछ दिन पहले तक, हाउस खत्म होने के कुछ दिन बाद तक, ये इम्यूनिटी मिला हुआ है। तो इस तरह की इम्यूनिटीज होता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि ये जो इम्यूनिटी मिला हुआ है उसको री एग्जामिन किया जाएगा, ठीक है। अब ये जो बहस है ना, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया, ये बहस जो है इस पेज में आएगा, फिर एडिटोरियल पेज में आएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है ना कि थोड़ा थोड़ा खाली आप अपने दिमाग में रखते जाइए कि ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। यहाँ डिटेल में जब आप पढ़ेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा सा आपको हो सकता है कि कष्ट लगे, बट हम ये बोलेंगे कि थोड़ा सा रीडिंग मार लिया कीजिएगा। थोड़ा सा रीडिंग मारने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि अच्छा आर्टिकल 105 जो है ना वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, तो कम से कम इतना आपको समझ में आएगा। दूसरा आपको क्या समझ में आएगा कि 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा है, ठीक है, और इसके पहले जो था ना वो 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था। एमपीज के लिए इम्यूनिटी 105 आर्टिकल 105 है, एमएलएज के लिए 194 है, ठीक है। अभी 12 को छोड़ दीजिए, अभी बस इतना याद रखना है कि भाई एमपीज के लिए 105 में पार्लियामेंट और एमएलएज के लिए 194 है, यहां से इम्यूनिटी मिलता है। इसी को देखने के लिए 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा है, इसके पहले 5 जज वाला बेंच था, और जब भी जो पुराना डिसीजन है उसको सुपरसीड करना है तो अब 5 से ज्यादा बैठना पड़ेगा, 6 या 6 प्लस, तो अभी 7 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा है। तो इससे आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि अच्छा सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग तरह का बेंच बैठता है, ठीक है, अलग अलग स्ट्रेंथ होता है, सिंगल जज बेंच हो गया, डबल जज बेंच हो गया, 3 जज बैठते हैं, 4 बैठते हैं, 5 बैठते हैं, ये चीजें होती है, ठीक है। तो ग्रेजुअली जो है ना आप चीजों को लर्न करना शुरू करेंगे कि देखो सुप्रीम कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल में लिखा हुआ है उसको भी एनालाइज करता है, उसको भी री एग्जामिन करता है, यानी कि इसको कहीं ना कहीं ये पावर है कि री एग्जामिन कर सके, ठीक है। फिर थोड़ा तस्वीर देख लेंगे, तो ये चिनूक हेलीकॉप्टर है, तो चिनूक हम थोड़ा सा अब ध्यान में रखेंगे कि भाई चिनूक हेलीकॉप्टर जो है इंडिया ने किससे परचेज किया था, ठीक है। 91st एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन कहाँ हो रहा है, तो प्रयागराज में हो रहा है, वहाँ पर इसका शो चल रहा है, ठीक है, वहाँ पर चिनूक हेलीकॉप्टर जो उड़ रहा है। तो आपको यहाँ पे देखिए 2 फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब ये क्या है कि धीरे धीरे आपके दिमाग में ये सब चीज़ें जो है ना कॉन्सोलिडेट होना शुरू होगा। तो रटना छोड़िए, बस डेली आप न्यूज़पेपर पढ़िए, इफिशियंटली और प्रायोरिटाइज करके पढ़िए, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ये सब देखिए सब काटा हुआ है, जो काम का नहीं उसको काट दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमने शुरू में ईडी देखा, फिर देखा कि सीबीआई भी एक जगह था, एलजी भी एक जगह था, लेफ्टिनेंट गवर्नर, अब यहाँ पे कैग आया है। कैग क्या बोल, अब कैग के बारे में पता होना चाहिए, फिर क्या कैग का क्या स्टेटमेंट है, वाइडन टेक यूज इन सर्विस डिलीवरी, ठीक है, ये मस्ट है। यानी सर्विस डिलीवरी जो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट जो आपको सर्विस देती है, चाहे वो सिलेंडर देती है उज्ज्वला योजना के तहत, या आप पासपोर्ट बनवाते हैं, या आपको इवन की सड़क बना के देती है, बिजली देती है, सब क्या है, गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी लेती है। तो इसमें टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज करना, टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए ना, जब डिजिटल इंडिया मिशन चला है, इतना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हुआ है, तो कितना आसान हो गया, 1 क्लिक पे पेमेंट हो जाता है, अदरवाइज पहले हमें बैंक में जाके लाइन में लगना पड़ता था। देखिए क्या कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। अब यहाँ पे आपको अलग से रटना ही नहीं है, जब इस तरह का न्यूज आप पढ़ेंगे ना तो ये चीजें धीरे धीरे आपके दिमाग में रहने लगेगी कि अच्छा कैग जो है वो 14th कैग है, कभी कभी लिख देगा यहाँ पे कि 14th कैग है गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। तो अब सोचिए कि मैगजीन में इन चीजों को हम रट रहे थे, बट यहाँ पे क्या है कि आराम से दिया हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, और इसी तरह की चीज़ को जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये इतना टफ नहीं था जिसको हम रट रहे थे, ठीक है। आईटी सिस्टम को यूज़ करने की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की बात कर रहे हैं, कहाँ, इनॉग्रेटिंग द इंटोसाइज 15th नॉलेज शेयरिंग कमिटी मीटिंग एट, कहाँ पे हो रहा है, अबू धाबी में, तो वहाँ जाके हमारे कैग जो है उसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। इसी तरह से आपको और समझ में आएगा कि अच्छा यूनाइटेड नेशन के कुछ बॉडीज़ को ऑडिट करना होता है तो इंडियन कैग जो है उसको ऑडिट करते हैं, इंडियन कैग ऑफिस जो है उसको ऑडिट करता है। तो कभी कैग पे सवाल आ गया तो उसके पॉजिटिव्स में लिखना है भाई कि हमारा कैग इतना इफिशियंट है कि हर जगह जो है वो मतलब कि यूनाइटेड नेशन के बॉडी को भी ऑडिट करता है, दूसरों को ट्रेनिंग भी देता है, ये सब चीज़ें हैं। मतलब जो रटा रटाया चीज़ है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी जो पीएसी कमेटी है उसका जो है ये फ्रेंड फिलोसफर और गाइड है ना, आर्टिकल 148 में आता है। इसके अलावा ये सब चीज़ें जब आप लिखेंगे तो लगेगा चेक करने वाले को कि अच्छा लड़के ने मेहनत की है, लड़की ने मेहनत की है और न्यूज़पेपर पढ़ा है इसने, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आते हैं जो सबसे टफ पोर्शन होता है न्यूज़पेपर का, एडिटोरियल। एडिटोरियल पढ़ने का तरीका क्या है, देखिए आपको एडिटोरियल मिलेगा एक ये ठीक है, और यहाँ पे आपको तीन मिल रहा है, ठीक है, तो 3 2 5 एडिटोरियल हो गया। इसके अलावा क्या है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ठीक है, तो टोटल 6 एडिटोरियल आपको मिलता है। अब क्या है ना, शुरुआत में एक तो कि सारे एडिटोरियल को आप मत पढ़िए, एक महीना जो है ना आप डिसाइड कर लीजिए कि इस 6 में से हम 3 ही एडिटोरियल को कवर करेंगे, ठीक है, या कोई कवर कर रहा है तो थोड़ा सा उसका सुन लिया। रीज़न क्या है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और हो सकता है कि मोनोटोनस हो जाए और आप न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दें, तो आपका प्रायोरिटी क्या होगा कि इधर का 2 या 3 एडिटोरियल आपको कवर कर लेना है, ठीक है। ये छोटा भी है और टू द पॉइंट होता है, मतलब इस एडिटोरियल को अगर आप पढ़ेंगे ना तो ये एडिटोरियल आपका एसे का प्रिपरेशन करा देगा, ठीक है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन होता है, फिर पूरा बॉडी लिखा जाता है, इशूज लिखा जाता है प्लस माइनस लिख के, और बहुत प्यारा सा कंक्लूजन दिया जाता है, ठीक है। तो एक परफेक्ट जो है ना, कम वर्ड्स में टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ों को समझाया जाता है, ठीक है। जैसे यही है जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स जो हैं वो अरेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा वर्ड ड्यू कोर्स, लॉ ऑफ द लैंड, सेंट्रल एजेंसीज, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भाई जांच तो करनी चाहिए, बट ड्यू प्रोसेस ड्यू कोर्स को फॉलो करना है, लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करना है। तो फिर धीरे धीरे आपको समझ में आया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ये 2 टर्म होता है पॉलिटी में, ठीक है, और ये 2 अलग अलग कंट्री से इंस्पायर होकर लिया गया है, दोनों का मतलब अलग होता है। तो ग्रेजुअली आप इन सब चीज़ों को यहाँ पर समझेंगे। सेंट्रल एजेंसीज ED CBI, ठीक है, ओवर जेलस नहीं होना इनको, ये सब चीज़ें लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखिए थोड़ा सा मैं समझा दिया गया है कि न्यू एक्साइज पॉलिसी लाया था 2021 में, और जिसमें क्या था कि प्राइवेट वेंडर्स को जो है वो अलाउ कर दिया गया कि लिकर स्टोर आपको रन करना है, ठीक है। क्यों किया गया था, इसका रीज़न बताया गया था कि ब्लैक मार्केटिंग खत्म करना है, ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ सरकारी बिकता है तो जहाँ भी सिर्फ सरकारी दुकानें होंगी तो वहाँ पर प्राइवेट जो है वो ब्लैक मार्केटिंग करने लगता है, ठीक है। तो जब प्राइवेट को आप दे दीजिएगा कि लो भाई तुम ही दुकान चलाओ, तो ब्लैक मार्केटिंग खत्म हो जाएगा, रात में 10 बजे के बाद बिकना बंद हो जाएगा, हालांकि बिहार में तो दिन में भी नहीं बिकता है। उसके अलावा क्या है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है, और कस्टमर का एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा। जिसको मन है भाई पीने का तो पीने दीजिए, उसका एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा, लाइन में उसको नहीं लगना पड़ेगा, उसको भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा, अपना क्या 10 बजने में 1 मिनट भी बाकी है तो दुकान पर पहुँचा, उसको अपना सामान मिल जाता है, ठीक है। बट कॉन्ट्रोवर्सी हो गया, सब कुछ हुआ, ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अभी देखिए 2 मिनट का चीज़ है, लेकिन यूट्यूब पर आप जाएंगे ना तो इसी पर लोगों ने 30-30 मिनट 40-40 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है सिर्फ इस पॉलिसी को समझाने के लिए। क्या इसमें इतना कुछ समझाने वाला चीज था, इतना टफ है, और ये चीज बार बार आपको न्यूज़पेपर में आएगा। तो उधर जो आप 40 मिनट वेस्ट करते हैं ना, उससे ज्यादा आप सेल्फ यहां पे एनालिसिस कीजिए, पढ़िए और आप चीजों को खुद से समझिए, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने उसको रोल बैक कर लिया, अब इसमें मनी ट्रेल का करप्शन का चार्ज लगा कि भाई प्राइवेट पार्टीज को फायदा पहुंचाने के लिए सब चीज़ चला, और आशीष अरोड़ा वगैरह वगैरह का नाम आ रहा है। अब देखिए कंक्लूजन इसका कितना प्यारा लिखा है, द सेंटर टू विच द CBI ED रिपोर्ट, है ना, CBI ED क्या है, सेंट्रल एजेंसी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है, मस्ट हीट द कोर्ट्स क्वेश्चन, कोर्ट ने सवाल पूछा, द करप्ट नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड प्रोसिक्यूटेड एज पर लॉ एंड ड्यू प्रोसेस, ठीक है, करप्ट जो है उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और प्रोसिक्यूशन भी होना चाहिए, है ना, मतलब सजा भी मिलना चाहिए, बट कैसे, एज पर द लॉ एंड ड्यू प्रोसेस, लॉ को भी स्टैब्लिश करना है और ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना है, जो प्रोसीजर है। अब ये डिटेल कॉन्सेप्ट है, ये पॉलिटी में आप पढ़ेंगे कि ड्यू प्रोसेस क्या होता है, एंड ऑफकोर्स द नीड फॉर प्रोबिटी, है ना, इन गवर्नमेंट शुड बी अ वाइटल एलिमेंट ऑफ एनी पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन अ डेमोक्रेसी, बट द सेंटर मस्ट नो दैट द इम्प्रेशन इज गेनिंग ग्राउंड दैट इट्स एजेंसीज आर अनकवरिंग अलेज इररेगुलरिटी सेलेक्टिवली एक्शन ले रहा है, ऐसा इंप्रेशन जा रहा है पब्लिक में, ठीक है, टू सेटल पॉलिटिकल स्कोर, ठीक है, कि जो हमको साथ नहीं देगा तो चलो उसको जेल भिजवा देते हैं। अब यहाँ देखिए ये लाइन, ट्रस्ट इन द स्टेट्स फेयरनेस, स्टेट्स फेयरनेस का मतलब क्या हुआ, स्टेट मतलब क्या, हमारा देश, उसको बोलते हैं स्टेट, ठीक है, स्टेट मतलब वो मतलब कि बिहार स्टेट और झारखंड स्टेट नहीं, स्टेट का मतलब होता है राज्य, सत्ता, जिसके हाथ में पावर होती है, जो पॉपुलेशन के लिए काम करता है, ठीक है, इसका भी डेफिनेशन है, ये भी जब आप NCERT पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि टेरिटरी होना चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए, सॉवरेनिटी होना चाहिए, अपना लॉ होना चाहिए, ठीक है, गवर्नेंस होना चाहिए, ये सब चीज़ें स्टेट है, ठीक है। तो जो सरकारी तंत्र है उसी को स्टेट बोलता है, तो सरकारी तंत्र का जो फेयरनेस है उसमें अगर ट्रस्ट नहीं रहेगा तो दिक्कत है। ट्रस्ट इन द स्टेट्स फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियल होना चाहिए, पार्शियल नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए, एंड द ऑटोनॉमी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन इज एट स्टेक,
ठीक है। तो ये जब ग्रेजुअली धीरे धीरे आप ये सब चीज़ों को पढ़ना और देखना सीखेंगे ना, तो ये आपके वोकैबुलरी को, आपके लैंग्वेज को बहुत इम्प्रूव करेगा। शुरुआत में मैंने आपको बोला कष्ट होगा, किसी भी चीज़ में कष्ट होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे एक महीने डेढ़ महीने के बाद आप अडॉप्ट कर जाएंगे और ये धीरे धीरे आपके लैंग्वेज में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब सिक्किम पे है तो देखिए सिक्किम पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है, कि तीस्ता रिवर फ्लैश फ्लड क्लाउड ब्रस्ट हुआ। अब ये सब चीज़ें देखिए, ये फैक्ट है कि तीस्ता रिवर सोनाक लेक, ठीक है, छुंगतंग डैम, ठीक है, और फ्लैश फ्लड और क्लाउड ब्रस्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज़ें अब आपके दिमाग में बैठने लगेगी कि ओके 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 ये हमें जानना चाहिए। फिर धीरे धीरे इसके बारे में डिटेल में जानेंगे और जो आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो फ्लड के जगह फ्लड के बाद आप फ्लैश फ्लड खुद से वहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, और उसमें पॉइंट्स अपना लिख लीजिएगा, ठीक। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था फिजोर्ड वाला जो क्वेश्चन यूपीएससी का आया था, तो वो मैंने यूट्यूब पे डाला भी था वीडियो बना के कि फिजोर्ड जब कहीं पे मैंने पढ़ा था तो एनसीईआरटी में ही उसको लिख दिया, और उस तरह से बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है और वो आया और कोई महानुभाव आके वहाँ पे कमेंट करता है कि अरे ये तो बड़ा आसान था। अब पता नहीं कहाँ से इन लोग को आसान लगता है और हमको मिलता भी नहीं, मिले तो उसको हम बताएं कि आसान क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जब इस आर्टिकल को पूरा पढ़ेंगे, देखिए अभी आर्टिकल पूरा डिस्कस नहीं कर रहा, आपको चीज़ों को समझा रहा है, सिक्किम वार्निंग पहले से बताया गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पुश चल रहा है वहाँ पे कि पहाड़ों पे पानी को रोक के उसे बिजली पैदा करना है, अब ये भी जरूरी है, बिजली नहीं रहेगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। पानी से बिजली पैदा कर रहे हैं तो भाई वो ग्रीन एनर्जी एक तरह से आप कह सकते हैं, क्लीन एनर्जी है, तो हमारा जो नेट जीरो करने का जो पूरा इरादा है इंडिया ने जो प्रॉमिस किया हुआ है, तो उसमें भी क्लाइमेट चेंज में भी पॉल्यूशन में भी काम आएगा। बट देखिए क्या हो रहा है भाई, तो यहाँ पे जो है वो जरा सा प्रॉब्लम हो रहा है, जरा सा पानी ज़्यादा आया फ्लैश फ्लड हो गया क्लाउड ब्रस्ट की वजह से, ठीक है, बहुत फ्रेजाइल रीजन है। तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेपाल में अर्थक्वेक आया तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए कुछ बॉडीज़ का नाम है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी IMD है, उसी तरह से स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि अगर इन चीज़ों को आप बैठ कर रटेंगे तो रट पाएंगे, नहीं रट पाएंगे। शुरुआत में सबके साथ अडॉप्ट कीजिए, धीरे धीरे एक एक करके चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो यही चीज़ है, राइटिंग साइलेंस, लिटरेचर नोवेल है ना, कि लिटरेचर के लिए नोवेल किसको मिला, तो जॉन फॉस को मिला, क्यों मिला, अब देखिए पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। और एक जो बहुत अच्छा चीज़ क्या लगा कि भाई न्यूयॉर्क वहाँ का जो माइनॉरिटी लैंग्वेज है उस नॉर्वेजियन लैंग्वेज में लिखते हैं। अब अगले बार यही आपके पास आ जाएगा सवाल बन के, ठीक है, प्रिलिम्स में। अगर प्रिलिम्स में नहीं आया, कल्चर रिलेटेड कोई सवाल आया और वहाँ अगर आप लिख दें कि नैनोर्स्क में जो नॉर्वेजियन माइनॉरिटी लैंग्वेज है उसमें नोवेल मिला है, ठीक है, तो हमें भी इंडिया में अपने माइनॉरिटी लैंग्वेज को जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उन लैंग्वेज में लिटरेचर को डेवलप करना चाहिए, ठीक है, ऑन द लाइन ऑफ दिस, ठीक है, इस लेवल पे ले जाना चाहिए कि उसमें भी नोवेल मिल सके, ठीक है, और इन लैंग्वेज का प्रोटेक्शन हो सके। क्यों? क्योंकि अगर एक लैंग्वेज एक्सटिंक्ट होता है ना तो उसके साथ एक पूरा कल्चर एक्सटिंक्ट हो जाता है, उस लैंग्वेज में जो इंफॉर्मेशन जो नॉलेज प्रोटेक्टेड है प्रिजर्वड है वो सब खत्म हो जाता है, ठीक है। इसीलिए देखिए आप कि भाषा को लेके लैंग्वेज को लेके इतना प्रोटेस्ट चलता है, इसीलिए भाषा को लेके बोला जाता है कि लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है ना, फजल अली कमीशन, JVP कमीशन, धार कमीशन, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। तो ये वही चीज़ है, लैंग्वेज इसलिए इतना इंपॉर्टेंट और इसलिए डिमांड इतना हुआ था, और पुट्टी श्री रामालू जो जिनका कि 52 दिन के उपवास के बाद उनका डेथ हो जाता है हंगर स्ट्राइक के बाद, और उसके बाद फिर केओस होता है, फिर आंध्र प्रदेश क्रिएट किया जाता है तेलुगु लोगों के लिए, और उसके बाद फिर डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये आर्टिकल है प्रेडिक्टिबिलिटी ऑफ पुतिन। अभी देखिए यूक्रेन और रसिया वॉर चल रहा है, उसमें बहुत आर्टिकल आएगा। अब आप एक बार रसिया यूक्रेन वॉर को समझ लीजिए, फिर इस तरह के आर्टिकल को बहुत ज़्यादा डीप में घुस के पढ़ने की जरूरत नहीं है। खासकर तब जैसे प्रताप भानु मेहता बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है, इनका आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे ना तो बहुत हाई फाई लगेगा आपको, तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें जो आपको समझ में आ जाए उसको रीड कर लेना है, बाकी चीज़ों को छोड़ देना है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ देयर वर्क, अनपेड डोमेस्टिक एग्रीकल्चर लेबर रूरल वुमेन इग्नोर, ठीक है। अब अनपेड डोमेस्टिक वर्क क्या होता है कि वैसे काम जो हमारी मम्मी हमारी दीदी घर में करती हैं, खाना बनाती हैं, बदले में उनको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। वो खाना क्यों बना रही है? क्योंकि वो मम्मी है। खाना क्यों बना रही है? क्योंकि दीदी है ना, तो उनको तो कुछ मिलता नहीं है। अगर मम्मी दीदी जॉब कर रही होती, पापा भैया सब जॉब कर रहे हैं, तो घर में खाना कौन बनाता? कोई अगर दूसरा आदमी औरत आके बनाता तो वो तो पैसा लेता है ना, महीने का पैसा लेता। तो जब पैसा लेता तो इसका तो पेमेंट होना चाहिए, तो उसी तरह की चीज़ को अनपेड डोमेस्टिक वर्क बोल रहे हैं, ठीक है।
एग्रीकल्चर में भी वैसा ही होता है, तो इस पे पूरा एक आर्टिकल है। अब इस तरह का आर्टिकल जो हो ना, इसको पढ़ लेना है, क्यों, वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है। अगर आप ऐसे लिखेंगे वीमेन एम्पावरमेंट में, और इसमें दिया हुआ जो कॉन्सेप्ट है, इसमें डिस्कस किया गया जो बात है, उसको अगर आप वहाँ पर यूज़ करेंगे तो फिर मज़ा आ जाएगा और मार्क्स भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको डेटा मिलेगा, किसने सर्वे किया था, ये चीज़ें मिलेंगी, इसको गवर्नमेंट के स्कीम से रिलेट किया गया कि कैसे लैंड ओनिंग जो है ना सिर्फ 14% है, इसलिए गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा भी वीमेन को नहीं मिलता है, सब मेल को चला जाता है। अब जैसे आप देखिए ना अपने गाँव में कि पीएम किसान जो है उसका 6,000 रुपये किसको मिल रहा है, लेडीज़ को मिल रहा है या जेंट्स को मिल रहा है, तो आप देखेंगे ज़्यादा जेंट्स को मिलता है। क्यों, क्योंकि भाई सब चीज़ उन्हीं के नाम पर हो रहा है, तो पैट्रियार्की से हम लोग कैसे लड़ेंगे, पितृसत्तात्मक जो परिवार है, जो प्रथा है, यहाँ औरतों को सम्मान नहीं मिलता, औरतों को नहीं मिलता है, औरतों को उनका उनका हक अधिकार नहीं मिलता है, तो उसको कैसे खत्म किया जाएगा। सरकार आपको वही ठीक करने के लिए रिक्रूट कर रही है, तो इन चीजों का समझ होगा तभी तो आप करेंगे ना, है ना, वीमेन एम्पावरमेंट पे आप काम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसी तरह से मान लीजिए चाइल्ड पे आ जाएगा, ठीक है, विमेन हो गया, चाइल्ड हो गया, उसके बाद एल्डरली पॉपुलेशन हो गया, ठीक है, इसका शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है, LGBTQ है, ट्रांसजेंडर्स हैं, इनके लिए जो भी डिस्कशन हो उसको पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब बैंक फॉर फ्यूचर, दिनेश खारा। देखिए अब दिनेश खारा क्या है, आपने रटा होगा कि दिनेश खारा भाई, हम मैंने भी रटवाया था कि सारा बैंक डूब गया लेकिन SBI खड़ा है। तो देखिए अब यहाँ जब आप इस तरह से पढ़ेंगे ना, तो आपका ध्यान इस पे रहेगा, ये चीज़ें तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा भाई कि दिनेश खारा कौन है, तो SBI के चेयरमैन है, SBI के हेड है। अब आपको रटने की ज़रूरत है, आपका तो ध्यान रहेगा कि यहाँ पे समझे। अब इस आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, अब बैंक फॉर फ्यूचर तो लिखा हुआ है, बैंक को सब चीज़ों से रिलेट किया गया है। ठीक है, बैंक को ग्लोबल इशूज से रिलेट किया गया, बैंक का इंडिया में जो पॉलिसी चल रहा है उससे, गवर्नेंस से रिलेट किया गया है, डिजिटलाइजेशन से रिलेट किया गया है। तो इसको जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ डेवलप होगा कि मल्टी डायमेंशनल कैसे चीज़ों को जोड़ा जाता है, बैंक को कैसे सब चीज़ से जोड़ दिए, और सिविल सर्विसेज चाहे वो स्टेट का हो चाहे सेंट्रल यानी कि UPSC हो, मल्टी डायमेंशनैलिटी खोजा जाता है। आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, हर चीज के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है, अगर आप एक्सपर्ट बनेंगे तो प्रोफेसर बन जाएंगे, लेकिन सिविल सर्वेंट बनना है तो आपको हर चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और हर चीज का मतलब क्या, उसको जोड़ना आना चाहिए, बस ये चीज है, सब चीज में डीप में नहीं जाना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पोर्ट्स रिलेटेड है, तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा कि भाई पाकिस्तान इंडिया का मैच है, उसको मैच जैसा लेना है ना, उसको देश देश का जंग जैसा नहीं लेना है, उसको बोलते हैं स्पोर्ट्स मोरालिटी। ठीक है, तो अब आपसे कभी ऐसे में आ गया, स्पोर्ट्स पे सवाल आ गया, खेलकूद पे, या एग्जाम में कल्चर वाला सवाल आ गया, उसमें स्पोर्ट्स का सवाल मान लिया दिया कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, इन टूडेज टाइम, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, तो उसको लिखने के लिए आपके पास लेगा कि अरे भाई इसका क्या आंसर दें। बट इस तरह का आर्टिकल को अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपके दिमाग में आइडिया रहेगा। ठीक है, इंटरनेट अप्स एंड डाउन, अब इंडिया में इतना इंटरनेट शटडाउन हो रहा है, जैसे मणिपुर में हुआ और कश्मीर में हुआ, कश्मीर में तो खैर 552 दिन का शटडाउन हुआ, तो लॉन्गेस्ट शटडाउन है। ठीक है, इंडिया का जो सेकंड लॉन्गेस्ट है वो मणिपुर का 143 डेज का है। अब इंटरनेट शटडाउन क्यों किया गया, प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, वायलेंस ना हो जाए वगैरह वगैरह, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ पे 2-3 सवाल आपके दिमाग में आएगा कि इंटरनेट जो है आपको फंडामेंटल राइट मिला है आर्टिकल 19 में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और आज के डेट में एक्सप्रेस करने के लिए अगर इंटरनेट ना मिले तो क्या आप एक्सप्रेस कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर्टेल हो रहा है। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, उसको सरकार चाहे तो कर्टेल कर सकती है कुछ ग्राउंड्स पे। ठीक है, तो लॉ एंड ऑर्डर को, नेशनल सिक्योरिटी को, इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए यह कर्टेल किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि अब पॉलिसी गवर्नेंस लेवल पे आते हैं कि क्या इंटरनेट शटडाउन से चीजें हैंडल हो रही हैं, तो नहीं हो रही हैं, ऐसा इनका राइटर का कहना है। बट हमारा क्या है, हम मिडिल स्टैंड लेंगे कि भाई इंटरनेट शटडाउन जो है वो लास्ट हमारा स्टेप होना चाहिए, उसके पहले लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का, बाकी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। फिर यहीं पे आपको पढ़ने को मिलेगा लिमिटेड इंटर शटडाउन, ठीक है, इसेंशियल इंटरनेट सर्विसेज, तो इस तरह का कीवर्ड्स है, तो इसको आप मेंस में यूज करेंगे। ठीक है, अब ये आता है एक्सप्लेन पेज, आपको क्या बोले, दिल्ली लीगर केस, ED चार्जेज अगेंस्ट आप लीडर। आपको लगता है कि ये सवाल मेंस में आएगा, हम बता रहे हैं नहीं आएगा, काट दीजिए इसको। जो भी आपके साथ 25 मिनट में ये डिस्कस कर रहा है उस चैनल को
मतलब ये तो हम नहीं बोल सकते। खैर चलिए, अब इसके बाद देखिए एक्सप्लेन पेज में क्या है ना, दो तीन आर्टिकल बहुत प्यारा मिल जाता है। जैसे ये इस साल 2023 के यूपीएससी प्रीलिम्स में आया हुआ सवाल है कि नगोर्नो काराबाख रीजन किधर है, ठीक है, मैं इस द कॉलम में आया हुआ था। आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे ना तो नगोर्नो काराबाख, ठीक है, पूरा आपको ये समझ में आएगा कहाँ पे है, ये समझ में आएगा आर्मेनिया अजरबैजान से इंडिया का क्या रिलेशन है, ये समझ में इन दोनों कंट्री, ये दोनों कंट्री कैसे बने, प्लस इसका इंडिया से क्या रिलेशन है, और ये कैसे कंट्री बने हैं, तो उसमें आपको सोवियत यूनियन कैसे कोलैप्स होता है, पहले ये यूएसएसआर का पार्ट था, कोलैप्स हुआ, फिर सब इंडिपेंडेंट हुआ, ये पता चलेगा। इसके बाद कैसे ये इस तरह का चीज होने के बाद कि जब एक बड़ा देश टूट के छोटा छोटा देश बना, तो उसमें कैसे फिर कन्फ्लिक्ट होगा, कैसे फिर कुछ लोग चाहेंगे कि सारा चीज वही कंट्रोल कर ले, लड़ाई झगड़ा होगा, फिर उसमें कैसे तीसरा आदमी कूदेगा, जैसे अजरबैजान को टर्की और पाकिस्तान सपोर्ट करता है और आर्मेनिया का इंडिया से अच्छा रिलेशन है, ठीक है। फिर यहां पे आपको बिस्केक प्रोटोकॉल पढ़ने को मिलेगा, रसिया कैसे पीस ब्रोकर कर रहा है वहां पे, तो ये सब चीज आपको मिलेंगी, और ये सब पढ़ते पढ़ते नगोर्नो काराबाख आपके दिमाग में रह जाएगा। साथ ही आप थोड़ा सा फिर आपको ये भी पता रहेगा कि आर्मेनिया अजरबैजान जो है अगल बगल कंट्री है, और जब आप वर्ल्ड मैप वाला मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि अजरबैजान जो है कैस्पियन सी को छूता है, आर्मेनिया ना कैस्पियन को छूता है ना ब्लैक सी को छूता है, ठीक है। तो ये सब सवाल जो है वो आता है यहाँ पे, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। आर्मेनिया जो है वो इंडिया के लिए क्या करता है भाई, तो कश्मीर पे इंडिया के तरफ से एक तरह से कहिए कि स्टैंड लेता है कि बायलेटरल बेसिस पे सॉल्व होना चाहिए, तीसरे कंट्री को इसमें नहीं आना चाहिए, जो कि इंडिया का कहना है कि बस इंडिया और पाकिस्तान इसको सॉल्व करेगा, कोई तीसरा का जरूरत नहीं है, बिना मतलब का फालतू का तेज मत बनो, जैसे कमेंट सेक्शन में तेज नहीं बनना चाहिए, ठीक है, फीडबैक देना चाहिए, फालतू का तेज नहीं बनना चाहिए, उठा के फेंक दिए जाओगे। परमानेंट सीट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को मिलना चाहिए, इसको भी आर्मेनिया सपोर्ट करता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जब अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशन का सवाल आएगा कि इंडिया ने क्या गेन किया है, तो उस गेन में आप ये लिखेंगे ना कि आर्मेनिया जैसा कंट्री जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो बन रहा है तो उसका भी ये लोग पार्ट है, तो अगर इससे इंडिया का रिलेशन अच्छा रहेगा तो हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है उसको ठीक से मैनेज कर पाएंगे, ईरान में इंडिया जो चाबहार पोर्ट बना रहा है वो चीज़ है। तो मतलब आप चीजों को ना बहुत होलिस्टिक वे में समझना शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर यहां पे देखिए एक नया ट्राइबल यूनिवर्सिटी बन रहा है तेलंगाना में, नाम क्या रखा गया, सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। अब जैसे इस बार अंबाबाई आपसे पूछा गया तो आपको समक्का सरक्का जतरा के बारे में पूछ दिया जाएगा, बोला जाता है कुंभ के बाद इंडिया में जो सबसे बड़ा मेला है वो समक्का सरक्का जतरा है, पूरी कहानी यहां पर बताई गई है। फिर ट्राइबल्स के लिए कैसे ये इंपॉर्टेंट है, तो अगेन जब कभी फेथ पे या इस तरह की चीज पे ऐसे लिखने के लिए आ जाए और ये आपको याद रहे तो इस कहानी को आप वहां पर यूज कर सकते हैं। फिर यहां पे कोया पीपल जो कोया ट्राइब्स है वो आ गया, तो आपको देख लेना है कि कोया ट्राइब्स कौन है, ठीक है, कोया ट्राइब है। उसके बाद कुंभ मेला वाला बात जो है पूरा यहां पे हो गया, कैसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है इस यात्रा के लिए, इस मेला के लिए पैसा देती है, तो इससे आपको पता चलेगा कि इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, नेगेटिव नहीं है, है ना, वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है स्टेट और रिलीजन के बीच में कि कुछ बात ही नहीं करेंगे, है ना, जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और ये सवाल पूछा जाता है, यहाँ का पॉजिटिव है कि जरूरत पड़ेगा तो हम हेल्प करेंगे, ठीक है, बट रिलीजन को मतलब कि स्टेट के पॉलिसीज में इंटरफेयर नहीं करने देंगे, ठीक, बाकी तो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म जो है वो एक पूरा लेक्चर इस पर किया जा सकता है, बट यहाँ पर ओवरऑल एक बात आपको बता रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं। फिर ये देखिए जॉन फॉस के बारे में आ गया, अब इनको जब आप चार पाँच बार 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 देखेंगे तो आपको इनका चेहरा याद हो जाएगा, नाम तो छोड़ दीजिए, है ना, तो ये चीज़ है। चलिए इसके बाद अब इधर आते हैं इकोनॉमी में, इकोनॉमी के पेज को भी जरूर देखा कीजिए भाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इंडिगो ब्रिंग्स डिस्टेंस बेस्ड फूल फ्यूल चार्ज इन ये फलना फलना रेंज, आपके काम का नहीं है, जीएसटी काउंसिल आपके काम का है, लाइकली टू डिस्कस एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्टिल अल्कोहल। अब क्या ना ये आपको पूछा नहीं जाएगा एकदम कि ये, बस आपको ना ध्यान में रहना चाहिए कि जीएसटी काउंसिल नाम का कोई चीज़ है, तो यहाँ से आपका फिर दिमाग जो है ना जब एक बार जीएसटी बैठ जाएगा तब आपको पता चलेगा कि जीएसटी है क्या, ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101 किया गया कि 102 कि 3, ठीक है, कमेंट में वो बताइएगा कि 101 है कि 2 है कि 3 है। जीएसटी काउंसिल में डिसीजंस कैसे लिया जाता है, सेंटर का क्या स्टेक है, स्टेट का क्या स्टेक है, जीएसटी का कितना बैंड बनाया गया है, 0%, 5%, 18%, 29%, 30%, 35%, कितना स्लैब बनाया गया है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका फायदा नुकसान धीरे धीरे आप समझते जाएंगे और ये जब सवाल बन के आएगा तो फिर आप आसानी से उसको कर पाएंगे, बट ये इंडिगो वाला सवाल आपके लिए जरूरी नहीं है अनलेस एंटिल की कोई बहुत इनोवेटिव स्टेप ये लोग ले रहा हो कि भाई एकदम क्लीन फ्यूल यूज कर रहा है, तो वो तो हो नहीं रहा है, ठीक है।
सर्विस एक्टिविटी एट द 13 ईयर हाइट इन सेप्टेम्बर ऑन अ स्ट्रॉन्ग डिमांड। बस इतना आप पढ़ लीजिए, मन है एक दो बार आप पढ़ेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई सर्विस एक्टिविटी मतलब ये पूरा डिटेल उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है। सर्विस बेस्ड इंडिया का इकॉनमी है ना, सर्विसेज का जो है GDP में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो बिहार का भी इकॉनमी हो, मैनुफैक्चरिंग कम है तो ऑब्वियस सा बात है कि सर्विस का देखिए ये चीज़ है। यहाँ पर आपको ना परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स आपको मिलेगा, ठीक है, कंपाइल्ड बाय किसके द्वारा, स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल, ठीक है, ये 61 तक रोज हो गया, ठीक है, 50 से ऊपर रहता है तो बहुत अच्छा होता है, ठीक। तो इसको जब आप एक बार पढ़ेंगे और फिर जब आप मैगजीन पढ़ेंगे तो वो चीज़ भी आपको समझ में आ जाएगा। अब यही आपको पूछ जाएगा कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स कौन इशू करता है, और जब भी आप इस तरह का आर्टिकल पढ़िएगा तो PMI इंडेक्स आपको देगा ही देगा इसमें, ठीक है, तो इससे भी नहीं घबराना, इतनी बार आप इसको देखेंगे ना कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फाइनेंस मिनिस्टर का क्या कहना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डिसीजिवनेस की फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, कोई भी इकोनॉमी कब ग्रोथ होगा है ना, कि आप डिसीजन लीजिए ठीक से और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए। जैसे आप पढ़ाई करते हैं है ना, तो पढ़ाई को मान लीजिए कि इकॉनमी है, तो आप डिसीजन लीजिएगा तब ना कि भाई क्या पढ़ना है, ठीक है। दूसरा क्या है कि आपका मेंटल स्टेबिलिटी होना चाहिए, तभी पढ़ाई हो पाएगा, पढ़ाई का ग्रोथ हो पाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो थोड़ा सा हल्का हल्का पढ़ लिए और पॉलिटिक्स में नहीं गए कि पॉलिटिक्स क्या है इस स्टेटमेंट का, इस स्टेटमेंट के पॉलिटी में जाएंगे, पॉलिटी और पॉलिटिक्स बहुत अलग है, इस स्टेटमेंट के इकोनॉमी में जाएंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स में नहीं जाएंगे। हमें इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना, हमें इकोनॉमी पढ़ना है, ठीक है, हमें प्रोफेसर नहीं बनना है इकोनॉमिक्स का, हमें जनरल इकोनॉमी पता होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब फालतू का न्यूज़, फालतू ये तो देख लीजिए, शादी ब्याह करना होगा तो शायद वो सब यहाँ पे होगा, ठीक है। अब यही देखिए, जैसे ये है, अब अगर आपको कास्टिज्म पे कास्ट पे एग्जांपल देना तो देखिए भाई कि पढ़े लिखे लोग जो है वो अंग्रेजी अखबार में छापते हैं, ठीक है, शादी के लिए, और कहीं कहीं मैरिज वाला भी कहीं आ ही रहा होगा या आया होगा, देख लीजिएगा तो आता है वो यहाँ पे, हालांकि लॉस्ट एंड फाउंड और बाकी चीज़ें हैं, ठीक है, तो कि भाई मिल्की वाइट लड़की होनी चाहिए, ये वो दिस दैट, तो ये क्या है, रेसिज्म है ना, कास्टिज्म, ये सब चीज़ों का एग्जांपल देने के लिए अगर आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और बस आपके नज़र से इस तरह का एडवर्टीजमेंट निकलता है तो वो चीज़ें आपके दिमाग में रह जाती है, आप एग्ज़ाम में फिर उसको आसानी से लिख पाते हैं। बाकी जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो मेरा सजेशन रहेगा कि स्पोर्ट्स का पेज जो है सरसरी निगाह से ज़रूर पढ़ा कीजिए, देखा कीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा इंस्पिरेशनल स्टोरी भी आपको मिल जाता है और इंस्पिरेशन के साथ साथ जो है आपको न्यूज़ भी मिल जाता है। और चाहे BPSC हो चाहे UPSC हो, स्पोर्ट्स से सवाल अब सब में आते हैं, पहले UPSC में नहीं आता था, आना शुरू हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए सिंधु जो है, PV सिंधु, तो अभी इनका थोड़ा सा डाउन फेज चल रहा है, तो कितना अच्छा अच्छा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि दिस इज द पीरियड व्हेन यू गो लो एट टाइम्स, यू डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट्स हैपनिंग, ठीक है, ऐसा इनको लग रहा है कि क्या करें नहीं करें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। आई एम सैड आफ्टर लूजिंग दिस मैच, इट्स अ बिट अपसेटिंग बट इट्स ओके टू लूज एट टाइम्स, ठीक है। अब जिनका 69th है, मान लीजिए कि 60 नंबर आ रहा है, आप इस स्टेटमेंट को देखिए भाई, ये चैंपियन है ना, तो आपको यहाँ से मोटिवेशन मिलेगा कि ठीक है यार, अपना काम क्या है, टिके रहना, खेलते रहना, इंडिया मोस्ट सक्सेसफुल एशियन गेम है, ठीक है, इंडिया के लिए 86 मेडल आया है, बट सिंधु के लिए नहीं, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू जस्ट बी देयर एंड फाइट बैक एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर, विच आई बिलीव आई कैन डू, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्या है, बी देयर, लड़ते रहना है, फाइट बैक, कम बैक, और कम बैक कैसे, स्ट्रॉन्गर, और सिर्फ बोला नहीं, आई बिलीव, अंदर से विश्वास, बाहर से मोटिवेशन नहीं, वो फर्जी वाला यूट्यूब वाला, अंदर से विश्वास, तो ये चीज़ है, ठीक है। राइट मेंटल स्टेट, देखिए तो ये सब चीज़, तो जो जिनको भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है या वैसे भी जब इस तरह का चीज़ आप देखें, इट्स सैड बट एट टाइम्स ओके टू लूज, ठीक है, तो इस तरह का स्टेटमेंट मिले तो उस आर्टिकल को पढ़िए, आपको बहुत अच्छा फील होगा, रिलैक्स्ड फील होगा, ठीक है। तो यही था आज का न्यूज़पेपर, और एक वर्ल्ड वाला पेज बच गया है, वो आगे में है, उसको भी देखिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये वर्ल्ड वाले पेज में देखिए क्या है, इमरान खान वाला जो इशू चल रहा है, ठीक है, पाकिस्तान का, तो ये थोड़ा सा नाटक चलता रहता है, ठीक है। चाइना, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि स्पेस स्टेशन जो है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो 2030 में डीकमीशन हो जाएगा, तो चाइना अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है ताकि स्पेस में उसका डोमिनेशन रहे, इसको बोलते हैं स्पेस डिप्लोमेसी, ठीक है। तो स्पेस वॉर चल रहा है, स्पेस मतलब कि रेस चल रहा है, वॉर नहीं, रेस चल रहा है, कौन कब्जा करेगा स्पेस को, कौन मून पे, कौन मार्स पे, कौन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाएगा,
तो मोटा मोटी ये है आर्टिकल, ठीक है, अल्टरनेटिव तैयार करने की कोशिश कर रहा है चाइना, ठीक है, अमेरिका को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। आपको यहाँ से क्या क्या पढ़ना है, एक तो ये स्पेस डिप्लोमेसी स्पेस रेस हो गया, दूसरा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है कहाँ पे, ठीक है, लगभग पृथ्वी से कितना ऊंचा है, ठीक है, चाइना ने जो बनाया उसका क्या नाम है, तो टियांगोंग है, ठीक है, जिसका कि मतलब होता है सेलेस्टियल पैलेस। फुली ऑपरेशनल कब हो जाएगा, 2022 से हो चुका है ऑलरेडी। ऑर्बिटल एल्टीट्यूड क्या है, धरती से 450 किलोमीटर लगभग ऊपर, तो आपको एक रेंज याद रहेगा कि लगभग 500 किलोमीटर के आसपास ऊंचाई में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। साथ ही साथ ये पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि एक ही स्पेस स्टेशन में अलग अलग कंट्री के लोग जो हैं, अलग अलग कंट्री के साइंटिस्ट जो हैं साथ में रहते हैं और रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। इसका जेलेंस्की का यहाँ पे है, तो उसी के बहाने आप अगर आप एकदम से मतलब नए हैं, आपने रशिया यूक्रेन वॉर को नहीं फॉलो किया है, तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाया गया है जस्ट रशिया यूक्रेन वॉर के बाद। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी कब बना, क्यों बना, क्या रीज़न है, क्या ऑब्जेक्टिव है, तो इस तरह का छोटा सा आर्टिकल पढ़ेंगे और आपको ये बात क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वाज एस्टैब्लिश्ड लास्ट ईयर फॉलोइंग रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन टू फॉस्टर वॉट कॉपरेशन अमॉन्ग हुम 40 कंट्रीज, ठीक है। तो ये चीज़ है न्यूज़पेपर पढ़ने का। बांग्लादेश रिसीव्स फर्स्ट यूरेनियम कंसाइनमेंट फॉर रसिया बिल्ट न्यूक्लियर प्लांट। अब देखिए, रसिया जो है, जो इंडिया का दोस्त था, वो बांग्लादेश को भी यूरेनियम कंसाइनमेंट दे रहा है, ठीक है, क्यों, वहाँ से न्यूक्लियर प्लांट में यूरेनियम जाएगा और वहाँ से बिजली पैदा होगा, ठीक है। कहाँ पे है, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, रोसाटोम्स, अब ये कंपनी का नाम याद रखिएगा, ठीक है, कि रोसाटोम जो रशियन कंपनी है वो यूरेनियम सप्लाई करती है, क्या पता इंडिया को भी करती हो, तो कभी न्यूज़ पढ़िएगा तो वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें जो है वो आपको फ़ायदा करेंगे और आपको समझ में आएगा। फिर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है भाई, तो शेख हसीना है, आवामी लीग पार्टी से है। पूछा जाता है ना कि रिपब्लिकन के प्रेसिडेंट हैं कि डेमोक्रेट प्रेसिडेंट है, तो ये हमारा नेबरिंग कंट्री है। अब रटिएगा तो टफ लगेगा, लेकिन रोज देखते रहिएगा तो देखते देखते आपके दिमाग में ऑलरेडी वो चीज़ें चिपक जाएंगी, ठीक बात है। तो ये है इसका डिस्कशन। इसके बाद आप देख लीजिए, 8-year-old बॉय एट द हर्ट ऑफ फाइट ओवर मंगोलिया स्पिरिचुअल लीडर। मंगोलिया के स्पिरिचुअल लीडर में वो लड़ाई है, बहुत प्यारा सा कहानी, आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा और बहुत सारा अच्छा अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको, ठीक है, कि चाइना कैसे सबको डोमिनेट करना चाहता है। चाइना सिर्फ स्पेस में डोमिनेट नहीं कर रहा है, चाइना कल्चरल और रिलीजियस प्लेसेस में भी, रिलीजियस रेल में भी डोमिनेट करना चाहता है, ठीक है। और फिर दलाई लामा के बारे में जानेंगे, तो आपके दिमाग में एक चीज़ें बैठ जानी चाहिए कि दलाई लामा है। अब फिर ग्रेजुअली जब आपको पता चला है कि दलाई लामा तिब्बत से कब आए इंडिया, इंडिया आए तो कौन से पास से आए थे, किस स्टेट में रुके थे, ये सब जब वो पता चल जाएगा तो मोनास्ट्री आप धीरे धीरे याद करने लगेंगे, तो ये चीज़ें होंगी। अब आप ये मत सोचिए कि ओवरलोड हो रहा है। देखिए, अगर आपको सच में तैयारी करनी है तो इस तरह से पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना है और बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, हम भूल लेते हैं, मोहम्मद यूनिस, इनको नोबेल मिला हुआ इकोनॉमिक्स के लिए, और बांग्लादेश में सोशल बैंकिंग है ना, जो स्मॉल लेवल पर बैंकिंग है, उस रिवॉल्यूशन को इन्होंने ही लाया था, इन पर करप्शन का चार्ज लगा है, ठीक है। अब ये हो ना हो सवाल बन के आएगा ही आएगा, नहीं भी आएगा तो इनके वर्क को आप पढ़िए, ठीक है, और उसको अगर इंडिया में भी इंप्लीमेंट किया जाए ठीक से तो वो फिर बहुत कारगर साबित हो सकता है। जैसे आप पढ़ते हैं ना, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ते हैं, ठीक है, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में सब मिलता है, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करता है, एक फंड क्रिएट करता है और उसमें से जिसको लोन चाहिए उसको मिलता है और फिर इंटरेस्ट के साथ वो वापस जमा करता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि बैंक नहीं जा सकते, तो चलो आपस में ही बैंक तैयार कर लेते हैं। तो ये चीज़ है, स्मॉल लेवल बैंकिंग है, सोशल बैंकिंग है, तो ये कॉन्सेप्ट इनका पढ़िएगा, उसको आप एग्जाम्पल के रूप में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं और बस यही है, इस तरह से न्यूज़पेपर पढ़ना है, इसलिए मैंने कल का अखबार डिस्कस किया। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो फीडबैक दीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और अगर न्यूज़पेपर डेली डिस्कस करना है तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं कि अगर न्यूज़पेपर का अलग से रोज़ अच्छा डिस्कशन होना चाहिए, वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन वाला डिस्कशन नहीं, बढ़िया क्वालिटेटिव डिस्कशन जिसमें टाइम देके चीज़ों को तैयार किया जाए, तो वो भी आप कमेंट करके बताएंगे। अब नंबर ऑफ कमेंट पर डिपेंड करता है कि ये इनिशिएटिव फिर शुरू किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करते हैं, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू।